Hi dear, myself Sushmita Ocha. Welcome to Smart E-Guide. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जावा के ओहद। ये जावा क्या है मैं पहले बता देती हूँ। जावा एक बहुत बड़ा सा सीरीज है। जावा में बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए पहले जो है जावा का जो पार्ट वो है कोर जावा। कोर जावा जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोर जावा अगर नहीं हम पढ़ेंगे तो दूसरा जो पार्ट है सार्वजनिक जीएसपी एंड्रॉइड में जो हम J2AE यूज करते हैं माइक्रो एडिशन, ये सारे जो जावा का पार्ट है हम समझ नहीं पाएंगे। सार्वजनिक स्प्रिंग ये सारे जो पार्ट है हम समझ नहीं पाएंगे अगर जावा का जो कोर जावा पार्ट है ये अगर अच्छी तरह से हम नहीं जानेंगे तो। इसलिए जावा जानने के लिए पूरा सीरीज को पढ़ने के लिए कोर जावा जरूरी है, जिसका एक पार्ट जावा का ओवरव्यू आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये पहले आपको जानना जरूरी है कि जावा क्या है, व्हाट इज जावा। जावा इज ए हाई लेवल स्ट्रॉन्ग सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एक करके लास्ट से फर्स्ट तक जाती हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट के जरिए माना जाता है। जैसे कि मेरे हाथ में माइक्रोफोन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेरे सामने है एक कैमरा, वो है ऑब्जेक्ट। कैमरा का स्टैंड है वो एक ऑब्जेक्ट है। और जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाता है तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इजीली नहीं घुमा फिरा। पाइथन में भी कोर पाइथन इजी है, यहाँ पे भी कोर जावा इजी है, पर बाद में जो यूजफुल है कोर जावा हम कहाँ पे यूज कर नहीं कर सकते, उसका जो अलग सा फीचर्स है वो हम यूज करते हैं। तो कहीं पे भी हम जाएंगे तो कुछ भी बनाएंगे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे सब कुछ होता है, इसलिए हाई लेवल है एंड स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर है। इसलिए एक एक करके बताती हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर यूज किया जाता है, कोई हैक न कर पाए, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो इजीली नहीं, सीधी वजह से नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जो बनाए इसको जावा को वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, क्योंकि कोई हैक ना कर पाए। जब हम कुछ चीज यहाँ पे यूज करेंगे, किसी भी चीज हम बनाएंगे जावा में, तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के करेंगे तो ये बहुत ही सिक्योर बन जाएगा, कोई हैक नहीं कर पाएगी इजीली। हैकिंग हैकर बैठा है कुछ भी कर लेगा, पर इजीली करने के लिए ये नहीं है, थोड़ा सा हार्ड वे यूज करना पड़ेगा, पर सिक्योर है। सारे बैंकिंग सेक्टर में जावा के ऊपर ही सॉफ्टवेयर बनाया है, इसलिए सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि इस जावा जो है ये बहुत ही पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स यूज किया गया। क्या क्या फीचर्स है जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगी तब बोलूंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट क्या है इसके ऊपर पूरा एक क्लास देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए पूरा एक क्लास देना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ही दूंगी। पर जावा जो सिक्योर है इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स यूज किए थे अलग अलग, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर है। और हाई लेवल इसलिए है क्योंकि ये हम सारे के सारे प्लेस में यूज कर सकते, सॉफ्टवेयर चाहे वो सॉफ्टवेयर मेकिंग हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में कोई सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मतलब जो हम मनी ट्रांसफर वगैरह करते हैं जो सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के जरिए हम वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे मनी ट्रांसफर करते हैं एक वेबसाइट से, ये सब जावा के ऊपर में बनाया गया क्योंकि ये सिक्योर हो। और ये थोड़ा सा घुमा फिरा के तो है सच में, बट हम समझ पाते हैं जावा जब लिखते हैं, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगी तब एक के बाद एक क्यों यूज किए मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल है, तो क्या हुआ, हाई लेवल स्ट्रॉन्ग सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जब किसी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाता है तो ऑलरेडी सिक्योर है, इसलिए बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले बनाया गया था ऐसे ही इजीली कर
प्रोग्रेसिव में, बट आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जैसे पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया गया क्योंकि सिक्योर करना जरूरी है, इसके ऊपर बहुत सारे काम होने वाला है। इसलिए ये रहा व्हाट इज जावा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो मैं बताऊंगी वो है जावा का थोड़ा हिस्ट्री। तो जावा की हिस्ट्री बता देती हूँ। जावा जिसने बनाए वो है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने जब बनाए थे 1991 में, तब उन्होंने इसका डिजाइन किए थे, मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा, कैसे इसको यूज किया जाएगा, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाएगा, कौन कौन सा चीज बनाने में इसको यूज करेंगे, ये सब सोच रहे थे और उसको बनाए। 1995 में आकर इसको रिलीज किए ऑफिशियली, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोल के इसको रिलीज किए और सारे के सारे ऑफिस में जावा यूज करना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ऑफिस तब थे और अब है वो सब जावा ही यूज कर रहे हैं। तो 1995 में जब इसको बनाए रिलीज किए, बनाए थे 1991 में और 95 में इसको रिलीज किए, तब जावा बीटा नाम था। जो भाषण पहले ओक था, जावा नाम नहीं था, ओक था। उसके बाद से जावा बीटा के बाद से जो भाषण आया जावा 1, 2, 3, तब जावा आया। तो छोड़ो, पहले बोलती हूँ जावा बीटा आया। जावा बीटा 1995 में इसको रिलीज किए। जब उन्होंने जावा को रिलीज किए उससे पहले जो डिजाइन जावा को बनाए, जावा के जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ जो जो यूज किया जाएगा इसको बनाने में, प्रोग्रामिंग लिखने में, ये सब कुछ C++ लैंग्वेज, ये उन्होंने तभी सोच लिए थे 1991 में कि C++। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जावा सीखने से पहले C++ सीख लो, क्योंकि जिस लैंग्वेज को रख के, जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करके जावा को बनाया गया उसके साथ थोड़ा बहुत रहेगा ना मैच, तो इसलिए बोलते हैं कि C++ सीख लो, क्योंकि C++ के साथ 50% मैच है। उसके बाद जितने बार इसको भाषण चेंज किया, जिसके बाद जितने बार अपडेट किया तो उतने बार ही इसको नया नया फीचर्स देके ही बनाया गया। बट इसको अभी तक C++ लैंग्वेज से ही डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। बट इसको C++ लैंग्वेज से बनाया गया इसलिए इस थोड़ा बहुत मैच आती है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि C++ सीख लो, जावा सीखने में आसान होगी, क्योंकि 50% मैच है। जावा का जो फादर है जेम्स गॉसलिंग है, ये समझ में आ ही गया आप लोगों को। इसके बाद आती हूँ, बहुत सारा भाषण है इसके, जावा बीटा गया, उसके बाद जावा 1, 2, 3, 4 फोर तक आने में जेम्स गॉसलिंग ही इसको बना रहे थे। इसके बाद ज्यादा अपडेट नहीं हुआ था, जितने बार 1, 2, 3, 4 ये चल रहा था उतने बार ही ये थोड़ा थोड़ा करके अपडेट हुई। जावा में जो एडवांटेज है, जब चेंज होती है किसी भी चीज, थोड़ा चेंज किया जाता है, थोड़ा बदल देते हैं, जैसे ही ऐसे ही नया फीचर्स भी लाते हैं। पर इसको जावा में जो इजी है, नया कुछ ऐड करने के टाइम पे जल्दी से नहीं कर देते हैं, पहले से एक थोड़ा थोड़ा करके चेंज जावा में आती है। तो जावा में पहले जो चेंज हो रही थी 1, 2, 3, 4 ज्यादा चेंज नहीं हुई थी और ज्यादा फीचर्स भी नहीं थी यूज करने के लिए और इजीली यूज नहीं कर सकते थे सब लोग। जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, इसको ओरेकल कंपनी तब और अब, ओरेकल कंपनी एकदम नंबर वन टॉपर कंपनी में से एक है, तो उसको बेच दिया और खरीद लिया ओरेकल कंपनी। जब से पहले ही लॉन्च किए 2010 में खरीद लिया और लॉन्च किए जावा 5, जो बहुत ही पावरफुल एंड बहुत सारे अपग्रेडेड फीचर्स लेके जावा मार्केट में आ गई। तो उसकी मार्केटिंग इतना पावरफुल था जो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उड़ा के ये आ गई और जावा एक नंबर है तब से अब तक। अब पाइथन आ ही गया बट एक लेवल पे दोनों ही चल रहे हैं। उसके बाद 5, 6, 7 मैं यूज की, जब मैं पढ़ रही थी तब 7 चल रही थी, 8 आ ही गया मार्केट में, और मेरे कॉलेज में 7 कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं जावा 8 यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि जावा 8 बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही पावरफुल, बहुत सारा अपडेटेड फीचर।
फीचर्स आया जो है सॉफ्टवेयर में एकदम परफेक्ट है। तो मैंने मेरे टीचर को बोली कि मैं जावा 8 यूज करने वाली, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है तुम जावा 8 इंस्टॉल कर। तो उसके बाद मैंने जावा 8 से ही स्टार्ट किया, जावा 8, 9, 10 नहीं, उसके बाद आया 11, 12, 13 आ गए। तो हर बार जो अपडेट हुआ नया नया फीचर्स नया नया चीज उन्होंने लाने स्टार्ट कर दिए और जावा बहुत ही पावरफुल तब से और भी ज्यादा हो गया जब से ओरेकल कंपनी ली। तो जावा का हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ ही गया। उसके बाद आती हूँ जावा में क्या क्या होता है। जावा में क्या क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊं तो पहले बताऊं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, VLC मीडिया प्लेयर, जितने सारे गेमिंग कंसोल बनाया जाता है तब से लेकर अब तक वो सब जावा में ही बनाता है। गेम में जावा परफेक्ट है, जितने सारे गेम के ऊपर सॉफ्टवेयर हो वो जावा से ही बनाया जाता है। तो गेमिंग के लिए जावा। तो ये सारे जो सिस्टम डेस्कटॉप में आप लोग देख रहे हो जो हम यूज करते हैं सारे सॉफ्टवेयर एंड जावा के ऊपर ही इसको बनाते हैं सब लोग। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा परफेक्ट है, बहुत सारे अलग सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं पर परफेक्ट अब तक है जावा। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा यूज करते हैं। उसके बाद जो है वेब एप्लीकेशन, जैसे बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन सारे रुपया वगैरह जो भी कुछ बैंकिंग में ट्रांसफर होता है जो भी यूज करते हैं जितने सारे वेब एप्लीकेशन वेबसाइट में भी ये सब जावा में किया जा सकता है। जैसे बैंकिंग बता ही दिया और सारे बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में सारे इंस्टीट्यूट का जो वेब एप्लीकेशन होता है ये भी जावा के ऊपर बनाया जा सकता है। तो क्या क्या लगता है ये बनाने में वो है सार्वनेट GSP GSA ये सब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, पर जावा सीखना जरूरी है उसके बाद ही जा सार्वनेट GSP GSA में जाओगे। उसके पहले बता देती हूँ, नहीं बताया मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कौन सा, वो है जावा स्विंग, जावा FX, जावा GUI ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन के लिए सार्वनेट GSP GSA ये सब हम यूज करते हैं। और जो डेटाबेस कनेक्टिविटी में अब तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइबरनेट स्प्रिंग ये भी जावा का ही है, बट जावा के प्रोग्राम के थ्रू ही हम लिखते हैं, पर ये जावा का नहीं है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है पर जावा के जरिए ही हम लिखते हैं। डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी के लिए, बैंकिंग सेक्टर में जितने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टैली वगैरह जो भी हम यूज करते हैं ये भी जावा के ऊपर ही लिखा गया। जितने सारे बैंकिंग में जाओगे जो भी सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है वो भी जावा के ऊपर ही बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए। इसमें सार्वनेट GSP रहता है कभी कभी और कभी कभी GUI, जावा FX ये सब यूज करता है। एक गुण मिलते हैं सिक्योरिटी के लिए, वेब एप्लीकेशन भी लगेगा सॉफ्टवेयर भी लगेगा तो तब तो GUI भी लगेगा और स्क्रीन हाइबरनेट GSP ये सब सार्वनेट ये सब लगेगा। उसके बाद डेस्कटॉप डिजाइन के लिए भी स्विंग वगैरह बहुत कुछ है। तो उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में है उसके अलग से जो है, पहले बता देती हूँ जावा का जो एक एक पार्ट है। जावा जो मैं अब पढ़ा रही हूँ जो मैं पढ़ाऊंगी एक बहुत बड़ा ट्यूटोरियल दूंगी वो है जावा J2SE बोलते हैं। J2SE मतलब जावा स्टैंडर्ड एडिशन। मेरे पास बुक है मैं दिखा दूंगी बाद में। तो J2SE जावा स्टैंडर्ड एडिशन जो और जावा इसके अंदर आता है। तो उसके बाद जो है J2EE जावा एंटरप्राइज एडिशन बट जो सार्वनेट GSP GSA है इसके अंदर, बट J2EE जो है एंटरप्राइज एडिशन पहले जावा ही बोला जाता था पर अब नेम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें आया जाकार्ता ई। 2018 में हुआ जाकार्ता ई, पर इसमें जितने सारे फीचर्स है जावा में ही है और जावा रिलेटेड ही है पर नेम में चेंज आया। उसके बाद जो मैं मोबाइल एप्लीकेशन बोल रही हूँ वो है J2ME जावा माइक्रो एडिशन। इस जावा माइक्रो एडिशन में जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में इसके ऊपर कोई अलग सा कोई सॉफ्टवेयर
बनाने में यूज करते हैं तो जावा के जरिए जावा के प्रोग्राम लिख के यूज करते हैं। और ये एप्स मेकिंग में है इसलिए माइक्रो एडिशन बोल दिया गया है एंड ज्यादा यहाँ पे हार्ड प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो समझ में आ ही गया क्या क्या होता है जावा में। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, सिक्योरिटी के लिए एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। और ये जो अलग अलग है J2AC जावा स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा इंटरप्राइज एडिशन, नेम चेंज हुआ जावा से जाकर्ता हुआ, उसके बाद J2ME और ये J2ME है जावा माइक्रो एडिशन। तो समझ में आ ही गया क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ जावा में हो सकता है और बहुत सारे कंपनी इसको यूज करते हैं। पाइथन बहुत सारे कंपनी यूज करते हैं पर अभी बहुत टॉप लेवल कंपनी है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कौन कौन सा कंपनी है। अब जावा थोड़ा सा पावर बढ़ा है तो धीरे धीरे करके ही बताना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ओवरव्यू थोड़ा बता दिया। जहाँ भी जाओगे खास करके कॉग्निजेंट में एंड IBM में अभी पाइथन ही यूज, कॉग्निजेंट में एंड TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सब जो टॉप लेवल कंपनी अभी इंडिया में है, इंफोसिस, इंफोटेक, ये सब जावा के ऊपर ही काम करते हैं। कॉग्निजेंट तो एक नंबर में है जो जावा यूज करते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ जावा थोड़ा सा घुमा फिरा के यूज करते हैं। पर सीख जाओगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे और आसान होगा सारे प्रोग्रामिंग सीखने में। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा आगे बढ़ूंगी और कितना समझ पाए कमेंट करके बताओगे, और ज्यादा कुछ बोलना जरूरी है तो बता देना, मैं और नेक्स्ट क्लास में और बता दूंगी। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात होगा। बाय बाय।